है जहां करौली के विक्टोरिया क्रॉस में कैप्टन कमल राम गुज्जर के 39वें पुण्यतिथि पर कर्नल देवानंद गुज्जर ने अपने उद्बोधन में उनके वीरता की कहानी पूरे विस्तार पूर्वक सुनाई। 1944 में विश्व का सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस मात्र 19 साल की आयु में प्राप्त करने वाले राजस्थान के करौली जिले में टोंका खेड़ा गांव के रहने वाले मां भारती के वीर गुज्जर पुत्र कैप्टन कमल राम की 39वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कर्नल देवानंद गुज्जर राष्ट्रीय अध्यक्ष इंटरनेशनल गुज्जर महासभा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सूरजो देवी धर्मपत्नी विक्टोरिया क्रॉस कमला राम द्वारा वीर सैनिक की मूर्ति पर माला चढ़ाकर की गई। वहीं कर्नल देवानंद गुज्जर ने अपने उद्बोधन में विस्तार पूर्वक बताया कि किस प्रकार कैप्टन कमल राम ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए वीरता के झंडे गाड़े व द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी में गारी नदी पार करके दुश्मन को नस्त नाबूद किया। इस मौके पर बोलते हुए कर्नल ने कहा कि आज तक सरकार और समाज की अनदेखी पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार विजेता होने के बावजूद कैप्टन कमल राम गुज्जर को 75 वर्षों से ज्यादा उचित सम्मान से वंचित रखा गया और सरकार से मांग रखी कि कमल को करौली सरकारी महाविद्यालय का नामकरण कमल राम गुज्जर विक्टोरिया क्रॉस के नाम पर होना चाहिए व जयपुर तथा दिल्ली में किसी भी मुख्य सड़क व सर्कल का नामकरण कमल राम गुज्जर के नाम पे होना चाहिए। वहां उपस्थित जनसमूह ने सर्वसम्मति से 19 दिसंबर को कैप्टन कमल राम गुज्जर के जन्मदिवस के अवसर पर उनके जन्म स्थान पर मूर्ति लगाने के फैसले पर मोहर लगाई एवं उम्मीद जताई कि युवाओं को देश सेवा एवं बलिदान की प्रेरणा मिल सके।